टर्निंग पॉइंट भी मेरी माँ सी जिन्हें मेरी हैल्प की, मैनू रीहैब सेंटर भेजता, जिदे बारे लोग कहते हैं ना भी उत्थे खंड से चाह पत्ती रला के दे देंगे भी अड्ड अड करो, बी थोनू लगता वा भी इन्नी महंगी खंड चाह पत्ती अमलियां दे जूठे मिठे हाथ लवाउंदे होणगे, कोई की कहिंदा की कहिंदा। मैं उत्थे मेरा धन्नवाद आ रीहैब सेंटर दा जिथों मैं ठीक हो गया, तो मेरा उत्थे उही टर्निंग पॉइंट आ भी मेरी माँ जदों जिन्हों मैं मारन दियां प्लैनिंगां करदा हुंदा सीगा उह मैनूं बचाउण लई उत्थे पैसे देण आई, मैं उहनूं जहर देण नूं फिरदा सी, उह मेरे लई सिओ लै के आई, मैं उहदियां बाहां बूहां कुट के आया सीगा, तो वह अड्डी खड़ी सीगी बाहां, मतलब वह मेरा टर्निंग पॉइंट सी जिद्दण मैनूं शर्म आई सीगी यार किहड़े चक्करां च फिरदा, वो मेरा टर्निंग उदण सोचना शुरू किया सीगा भी हुण नशा नहीं करना। उस दिन तो लैके हुण तक 7.5 साल तो उत्ते दा टाइम हो गया भी मैं मुड़ के उस किसी नशे वाले झाकिया ही नहीं। चलो तुम क्या वैसे भी उजड़ता सारा कुछ, पर तुम हम एक गल भी की है कि माँ जी माँ को मैं मारन दी गल मैं बचाने वास्ते, वो कि हालत सी जो फिर यहोजे ख्याल भी आने लग गए? देखो मतलब जो घर मेरे तोड़ लगती सी जोड़ा जो बंद अमली तोड़ लगती है ना उदो कोई सका नहीं यार उदा, ठीक है ना, मेरिया गल्ला यहोजियां ही ने। हुण देखो वीरे मतलब जे कोई किसी कुड़ी ना रिलेशन दे विच कोई बंदा, ठीक है ना, हुण एक अमली आ ठीक है, तुसीं मैनूं दसो बई बंदा सहेली नूं ज्यादा प्यार करदा हुंदा कि नशे नूं? ठीक है, नशे नूं करदा हुंदा क्योंकि सहेली लई कोई माँ प्यो नहीं कट कुटदा, ना चोरियां करदा ना ठगियां करदा, सब तो वध खुरद नूं मचाउंदा वा नशे लई, ठीक है, तो बई छड़ाउणी तां किसी दी सहेली औखी हो जांदी आ, नशा तो देख लो कित्थे दी गल आ, ठीक है ना। सो वो चीज़ सीगी भी आप नहीं मेथों छुट हुंदा सीगा, ठीक है, दुनिया कह रही है प्रवचन दे रहे स्टेजां ते हो रहे आ सारा कुछ हो रहा वा, ठीक है, प्रवचन ने बई जमीनी हकीकत कुछ होर हुंदी आ, ठीक है ना, गल सपोर्ट दी हुंदी आ भी सपोर्ट कित्थे करनी है, ठीक है। हुण यार तुसीं बंदे नूं उहीं टौंट ही मारी जांदे आ, ठीक है, हुण जे मैं तुहानूं बाइट दे के चलिया वा, ठीक है, मैं उत्थे नहीं गया तो तुसीं बाद च कहोगे भी गोलियां तां खांदा होऊगा, फिर यार इहो जी सपोर्ट तो लैणा भी की आ, ठीक है ना, हाँ लोग बड़े इदां दे ही आ। जे यार मैं मतलब मैं टीचर भी रहा यार, मेरा फ्लो सीगा मैं पढ़ाउंदा भी रहा वा, ठीक है, जे मैं लगातार बोलदा वा तो पिंडां दे विच कई बार जदों मैं कितें लैक्चर दिंदा हुंदा नहीं यार कुछ ना कुछ तो खांदा होगा, जिवें कह दिंदे आ भी बंदे दे नाल जिहड़ी चीज़ जुड़ जाती है वह तोड़नी बड़ी औखी हो जाती है, वेखण वाले कहिंदे आ जिवें आपां कुछ किन्ना भी सुधर जाए यार इह नहीं सुधर सकदा, उह चीज़ दा सामना करना पैंदा वा, बहुत सामना करना पैंदा वा, ठीक है ना। सो चलो फिर भी अमली तकड़ा हुंदा यार चल लैंदा कई थावां ते, ठीक है ना, पर गल इह आ भी तुसीं उहनूं उन्ने जोगा करो तो सही, उहनूं कितें यार इलाज तो कराओ ना, तुसीं मारी जांदे आ। हुण जे फोन की स्क्रीन टुट जाए तो लई तुसीं DMC हस्पताल फिरदे आ, कसूर उन्हां दा नहीं यार मेरा वा, मकैनिक दे लैके जाना सीगा, तुसीं लई फिरदे डाक्टरां दे, तुसीं लई फिरदे बाबिआं दे, ठीक है, डाक्टर नींद की गोली दे दिंदा चैन की तो उहदे कोल भी है नहीं, ठीक है ना। सो तू अमली नूं दोस्त चाहीदे हुंदे आ, ठीक है ना, जिउण लई सारिआं नूं दोस्त भीरे तेरे भी हैगे ने, हरेक बंदे दोस्त हुंदे आ, जरूरी आ, सानूं स्कूल दे विच पढ़ाया गया भी असीं समाजिक लोक आ, ठीक है ना। हुण पुराने तो यार नशा करदे चंगे उहनूं कोले नहीं पाउंदे, जाऊ कित्थे, ठीक है ना, ਨਾ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਵੜਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਾਤਲ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਖੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥੀ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀ ਮਾਏ ਤੂੰ।